तो भाई कैसे हो सभी लोग? राम राम भाई सभी लोगों को। मैं अभी जा रहा हूँ, जो टेमू का पार्सल है ना वो रिटर्न करवाना है, क्योंकि तीन चार चीज़ें अनवांटेड चीज़ें हैं, इतनी भी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं ये रिटर्न करने जा रहा हूँ। और भाई खुशखबर तो ये है कि राणा जी ने ऑर्डर किए थे जॉर्डन्स, बट अभी उनको क्या है कि उसको मैसेज आया सुबह सुबह कि आपको पिकअप करना पड़ेगा। वैसे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है जिसकी पार्सल की शॉप, इसलिए वहाँ से पिकअप कर लेंगे। तो भाई पहली बार देखेंगे जॉर्डन, नहीं वैसे तो देखे हैं बट हाथ में, क्योंकि ये अपना है ना, बाकी दूसरे का कोई मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये देखो फिर से बर्गर किंग, ये राणा जी हमारे। सबसे पहले ये रिटर्न करने जाएंगे और इसकी जो क्रेडिट मिलेगी ना, फिर उससे कुछ बढ़िया ऑर्डर करेंगे, जो भी हमें ज़रूर है। ठीक, सही बात है ना, अच्छा वाला ऑर्डर करेंगे। टैक्सी आ रहा जी, चलो भाई। एक बंदे ने तो हिम्मत करी छोड़न मंगवाने की हमारे घर में से, सबसे पहला बंदा राणा जी और दूसरा मैं होऊंगा। बट कृणाल, कृणाल ने, मैंने कृणाल से बात कर ली है, अभी नहीं बट जल्दी। एक हफ्ते का ब्रेक लगा पहुंच गए जिम वापस भाई। चलो आज तो दिक्कत होने वाली है, आज तो डायरेक्ट नहीं होगा भाई, आज तो पैर भी दर्द करेगा। तो चलो जिम विम करते हैं और फिर जाते हैं घर। कितने बजे? 5 बजे। तो वी आर डन विद जिम, इतना भी ज़्यादा आज मैंने नहीं किया, आज सिर्फ मैंने 40-45 मिनट्स ही अपना वर्कआउट किया और कुछ 150-200 कैलोरीज, 200 से ज़्यादा नहीं होगी, 200 कैलोरीज बर्न करी, क्योंकि भाई आज मुझे अभी लो फील हो रहा है। क्योंकि आज सुबह जब मैं उठा ना, बीच में उठा था, क्योंकि किसी बंदे ने एसी बंद कर दिया था, तो मैं क्या 4-4:30 बजे हम सभी लोग सोए और 9-9:30 बजे किसी ने एसी बंद कर दिया, फिर मैं 3 से उठ गया, फिर एसी ऑन किया और फिर बाद में 3 घंटे और सोया। ये जो ब्रेकडाउन वाली होती है ना नींद, वो तो ब्रेक वाली नींद में मेरा बॉडी एकदम वो रेस्ट नहीं कर पाता, एकदम कंटिन्यूस नींद चाहिए मुझे, चाहिए नींद मुझे सिर्फ 6 घंटे की, बट अगर कंटिन्यूस मिल गई ना तो दूसरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो अभी थोड़ा थोड़ा लो फील हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ वर्कआउट में नहीं कर सकता ऐसा कुछ लग रहा है। तो भाई बस ऐसा ही है हमारा, तो जा रहा हूँ घर अभी। आज तो मनन घर पे ही है क्योंकि उसको कॉलेज में कुछ काम था और उसकी भी शिफ्ट नहीं आई है, घर पे कुछ खाना वाना बनाते। और भाई जॉब का तो क्या है, मैं ऐसा बोलता रहता हूँ कि लग जाएगी, बट वो तो अपने ऊपर नहीं है, जब हायरिंग है तभी लगे। तो अभी तो मैं अपनी ओर से पूरा ट्राई कर रहा हूँ, हाँ कुछ सोर्सेस है इसलिए कुछ दिक्कत नहीं है, बट जो मेन जॉब होता है ना, अगर वो मिल जाए तो फिर क्या, वो कंटिन्यूस रहता है पार्ट टाइम जॉब। बस अभी 2-5 मिनट में हमारी बस आने वाली है, चले जा रहे हैं। ये देखो इसको, देखो ये क्या कर दिया। तो पर ऐसे उठाना 10 घंटा, अच्छा अच्छा कर, धीरे धीरे कर। वाह वाह, मल्टी टैलेंटेड है, लेकिन टैलेंट आधा ही है। आज भाई जैसे मैंने बोला ना, लो फील हो रहा है जिम जाते वक्त भी, तो अभी लो फील तो हो रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और अपना व्लॉग देखो कितने मिनट लंबा है, 34 मिनट। अभी इसको काट कूट के मैं 20 तक लाऊंगा और 20 तक लाने में मुझे 1-1.5 घंटा चला जाएगा, क्योंकि इसमें कई सारे सिनेमेटिक शॉट्स हैं और कई सारा है ये नाइग्रा वाला व्लॉग भाई। बस घर पे आके सबसे पहले तो आलू बैंगन की सब्ज़ी बना ली जल्दी से, क्योंकि वो जल्दी बन जाती है, जल्दी बना ली, खाना वाना खा लिया और अभी भाई मैं व्लॉग एडिट करने फाइनली बैठा हूँ। बस व्लॉग एडिट करूँगा और आज भाई जल्दी सो जाऊँगा, कल मैं पूरी मतलब सोऊँगा ही भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इससे तो चलता रहता है। बट आज कम नींद हुई ना, इसलिए वो क्या परसों में वैसे ऑलरेडी गया था नाइग्रा,
फिर कल पूरा दिन हैप्टिक डे, कल रात को 4:30 बजे मतलब कंटिन्यू सभी चीज चली रही थी, इसलिए बस ये तो सही बात है। देखो नींद भी आ रही है, तो चलो पहले व्लॉग एडिट कर लेते। अभी स्टार्ट भी नहीं किया है मैंने, हाँ अभी 10 ही बजे बट चालू कर दिया है मैंने जल्दी, आज अर्ली थोड़ा चालू कर दें तभी मैं 11:30-11:30 बजे कर लूँगा। वैसे मैं बोल रहा हूँ ना दोपहर में कर लूँगा, एक भी व्लॉग दोपहर में एडिट नहीं किया है, बट ट्राई करूँगा कि कल से करूँ, ठीक है ना। क्योंकि अभी कॉलेज में भी क्या है कि कल टेस्ट है, परसों टेस्ट है, अभी मिड टर्म चल रहा है, इसलिए मिड टर्म वाले सभी लोग टेस्ट है, असाइनमेंट और वो सब कुछ है, इसलिए वो भी देखना पड़ता है। तो सबसे पहले वो भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, डू एवरीथिंग प्लस वन करेंगे भाई हम सभी लोग। ये सब मेरी तरह सभी लोग ये सब चीज़ तो कर ही रहे हैं, बट मैं ये व्लॉगिंग प्लस वन कर रहा हूँ। देखते हैं कहाँ तक जा रहे हैं हम, बट अपना टारगेट बहुत आगे तक है, हम हिम्मत ही नहीं हारना है, बहुत आगे तक है भाई अपनी। तो ये तो अपने स्टार्ट भी नहीं हुआ है अभी, स्टार्टिंग फेज ही बोल सकते हो। चलो भाई एडिट करता हूँ, मिलते हैं कल।